हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक यानी कि रासायनिक बलगति। अगर हम अपने ट्वेल्थ के केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल के तीन चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक आपका 7 मार्क का है, तो और ये सिंपल टॉपिक भी है, मतलब सिंपल चैप्टर भी है, इसे आसानी से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी छोटी छोटी बातें हम इस चैप्टर के अंदर बताएंगे उन सारी बातों को आप सीखते हुए चलिएगा। हम एक बात आपको गारंटी के साथ कर रहे हैं कि 7 के 7 नंबर आपको हम दिवा देंगे, ये गारंटेड है। ठीक है, और अगर पूरे केमिस्ट्री की बात करें, अगर बाय द वे हम आपको कवर करवा पाए तो 70 out of 70 marks हम आपको दिवा देंगे, इतना रहेगा, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो चलिए अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमें 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे अगर यहां पर बात करी जाए तो सबसे पहला टॉपिक आएगा रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, ये हम पढ़ेंगे। और सेकेंड टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि। थर्ड की बात करें तो ये है आपका मेथड टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये हम कवर करेंगे इसमें। फिर आएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की आणविकता। फिर आएगी थियरी रिलेटेड विद रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में जो थियरी होती है अभिक्रिया के दर में, उन थियरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट, मतलब अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट यानी कि दर नियतांक को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए अगर यहाँ पर पहली हेडिंग की बात करें तो पहली हेडिंग आपको दे रखी है रासायनिक बलगति यानी कि केमिकल काइनेटिक। देखिए इसमें ढेर खनी आप लेके कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिंपल चैप्टर है और सारी चीज़ें आप देखेंगे आपको समझ में आते चली जाएगी, बस पेशेंस के साथ आप बने रहिए। ठीक है, पेशेंस के साथ आप बने रहिए। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें रासायनिक बलगति यानी केमिकल काइनेटिक के बारे में, तो देखिए हम कहते हैं कि अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड करती है हम इसे पढ़ने वाले हैं। फिर इसके रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनको इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। और इस चैप्टर का नाम होता है केमिकल काइनेटिक, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक बलगति। ठीक है, अब आते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के दर के ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर। बोला जाता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब में परिवर्तन की दर को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, चलिए जरा इसके देखिए, इसमें बहुत कुछ अभी है नहीं, अभी नॉर्मल तरीके से सबसे अगर इम्पोर्टेंट इतने हिस्सों में देखा जाए तो हम इस हिस्से की बात करेंगे। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको देखना है। चलिए देखते हैं, R बराबर प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, ये हमारा फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे प्लस माइनस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। देखिए ये हमारा ये मेन है, मतलब यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इसे आप एक बार कॉपी करिए, फिर इसके आगे का हिस्सा हम कवर करवा रहे हैं। हाँ जी, अब जरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये प्लस और माइनस लिखा है, इस प्लस और माइनस का क्या मतलब है। देखिए अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करें तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है वो देखेंगे, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है ये देखेंगे। पॉजिटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है
कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। और निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा यानी कि सांद्रता कम होगी। यहाँ पर पॉजिटिव साइन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, निगेटिव साइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट जो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ये बता रहा है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स और हैं, हम वो छोटी छोटे टॉपिक्स के बारे में हम आपको बात करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे हम आपको ये बताएंगे यहाँ पर कि मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती क्या है, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। मोलारिटी, अब देखिए छोटी सी चीज़ है, हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। मान लीजिए जो पहली चीज़ है, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मोलारिटी के बारे में। इसको बोला जाता है मोलरता, मोलरता ये हमें कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बारे में ये हमें बताता है। कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं सांद्रता, तो सांद्रता के बारे में ये हमको जानकारी देता है। अब आगे की बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको मोलरता यानी कि मोलारिटी निकालनी है तो निकालेंगे कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मोलारिटी होती है इसको बोलते हैं मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो मोलारिटी होती है, मोलारिटी इसको हम बोलते हैं मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम इससे हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम को हम वी से दिखाएंगे और मोल को हम एन से दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, हम कहेंगे कि इफ़, मतलब यदि आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर लीटर में है, किस में है, लीटर में है, अगर वॉल्यूम आपका यू आर ए, अगर ये वॉल्यूम आपका, ये लीटर की स्पेलिंग कुछ गलत क्या, इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर लीटर में है तो जो मोलारिटी होगी, अच्छा मोलारिटी को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। अगर वॉल्यूम आपका लीटर में है तो जो मोलारिटी आएगी ये आएगी मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में, ये आपका रहा। अब यहीं पर हम बात करते हैं यदि आपका वॉल्यूम एमएल में दिया है, किस में है, एमएल में, जब एमएल में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सुनिए, अगर हम बात करें कि एक एमएल कितने लीटर के बराबर होता है, तो एक बटे में 1000 लीटर के बराबर होता है, किसके बराबर, एक बटे में 1000 के, डायरेक्टली याद रखिएगा, एक मिलीलीटर जो होता है एक बटे में 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ पर कि जो मोलारिटी है m इज इक्वल्स टू, ये मोल रहा, ये आयतन यानी कि वॉल्यूम रहा, लेकिन किस में रहा, ml में, किस में है, ml में। अब बटे में क्या कर देंगे, 1000, 1000 में अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीटर में। अब ये 1000 उड़िया के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में है, एमएल में, और ये ऊपर चला जाएगा तो इनटू कर देंगे 1000, इनटू क्या कर देंगे, 1000। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मोलारिटी है, अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम लीटर में है तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम एमएल में है तो आप 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी मोलारिटी निकल जाएगी। तो ये देखिए, इसको अलग से ऐसे डब्बे में बंद करके और ये लिख लीजिए कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जिस हिस्से की बात कर रहे हैं ये आपका इम्पॉर्टेंट है, वो भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है कि हमको मोल में दिया होगा, मोल को आपका कंसंट्रेशन में बदलना होगा, फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोलारिटी आएगी मोल पर वॉल्यूम यानी कि लीटर में, अगर यहीं पर मोलारिटी, अगर वॉल्यूम आपका एमएल में है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, एमएल तो करेंगे,
इंटू थाउजेंड, तो ये जिसमें है 100 ml है तो 100 रखेंगे इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये होता है आपका, इसे अब हटा रहे हैं। अब कुछ देखिए, इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, उन छोटी छोटी बातों को सीखते हुए अपने को आगे बढ़ना होता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को सीख लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपके लिए ये चैप्टर सिंपल हो जाएगा। अगर यही छोटी छोटी बातें आपको नहीं आती हैं तो आप जल्दी झेल नहीं पाएंगे, हम आपको ये एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही टफ होता है। क्यों टफ होता है? कि अगर छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसीलिए इसमें ज़रूरी चीज़ है कि आप टर्म्स याद रखें। क्या याद रखेंगे? टर्म्स याद रखेंगे। चलिए अब आगे की कहानी हम समझते हैं इसमें। अब ध्यान से बात को समझिएगा, जो चीज़ हम समझाने जा रहे हैं वो चीज़ भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए इसमें हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि शुरुआत में आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर आपकी देखिए मोल भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और आपका वेट भी हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, निकालना क्या, रेट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, हम बात करते हैं। अच्छा, इसको लिखते क्या हैं? तो आप हेडिंग के तौर पे इसको लिख सकते हैं, ये हमारी हेडिंग होती है रेट एक्सप्रेशन करके, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन करके पहले लिखेंगे तो इसमें, चलिए ठीक है, पहले बात समझिए। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरुआत से बात समझिएगा। मान लीजिए कोई ए है रिएक्टेंट, ये बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए रिएक्टेंट जो है वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर इसकी मात्रा ए ले लीजिए। आप बताइए, शुरुआत में आपके पास केवल रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट होता है? तो केवल रिएक्टेंट होता है, मतलब शुरुआती में आपके पास ए रिएक्टेंट है, लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जीरो है। अच्छा, कुछ समय के बाद की बात करें, मतलब टी इज इक्वल टू टी टाइम पर, क्या आपका रिएक्टेंट कुछ कम होगा या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल। तो हम कहेंगे ऐसे, देखिएगा, ए में से आप एक्स घटा दीजिए। मान लीजिए टी समय के बाद एक्स यूनिट आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ध्यान से बात को समझिएगा, इतना यहाँ पे कम हुआ है ना, तो इतना ही यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बनेगा। यानी कि ए टी इक्वल्स टू जीरो पे ए था, ये जीरो था, टी इक्वल्स टू टी टाइम पर ये ए माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, ठीक है। पहली चीज है, उसे ध्यान रखिए। अब सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास 2a है और ये फिर b में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, 2a है फिर b में कन्वर्ट हो रहा है। t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर इसको हम a मान लेंगे, इसको जीरो मान लेंगे। t इज इक्वल्स टू t टाइम पर, अब हम बात करते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, a में से घटाएंगे। अच्छा, कितना घटाएंगे, x यूनिट, लेकिन इसके आगे कितना है, दो है ना, तो 2x घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 2x घटाएंगे, लेकिन इसके आगे देखिए कितना है, एक है ना, यानी कि ये x यूनिट बना होगा। कितने यूनिट, x यूनिट बना होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा, अभी आपको छोटी छोटी बातों को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। एक मिनट जरा इसको कॉपी करिए, तो हम थोड़ा सा पानी पी के आ रहे हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में ज़रा देखिए, ये चीज़ समझते चलिएगा। अगर इसके आगे 2 है तो यहाँ से 2x घटेगा, इसके आगे 1 है तो 1x बनेगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि a से बन रहा है 2b, ऐसा मान लीजिए t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर ये a है, ये 0 है, ऐसा तो होगा ही। t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर अगर बात करें तो a में से x घटाएंगे, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2x, क्योंकि इसके आगे क्या है, 2 है। बात समझते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए a बना b, a प्लस बी बने हैं c प्लस डी में। किस में बन गए, c प्लस डी में। t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर आप इसको a ले लीजिए, इसको भी आप a या b, इसको चलिए b ले लीजिए,
तो ये तो जीरो जीरो रहेंगे ना, ये तो जीरो जीरो रहेंगे। अगर t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर हम बात करें कि a में से x कम होगा तो b में से भी कितना कम होगा, x यूनिट कम होगा। जितना इसमें से कम होगा उतना ही इसमें से कम होगा। अगर यहाँ बनने की बात करें तो ये भी x और ये भी x बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये a है, 2a है प्लस b है से c प्लस 3d बना है। अब चलिए देखिए, जितना भी वेरिएशन हो सकता है सारा वेरिएशन हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर ये a है, ये b है, तो ये कितना होगा, जीरो जीरो जीरो, इतना ठीक है। अगर यहाँ पर t इज इक्वल्स टू t टाइम पर बात करें तो a में से कितना कम होगा, 2x, b में से कितना कम होगा, x, यहाँ पर बनेगा कितना, x, और यहाँ पर कितना बनेगा, तो आप लिखेंगे कि 3x कितना बनेगा, 3x बनेगा, इसके आगे 3 है ना, तो 3x बनेगा, ठीक है। अगर यहीं पर ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए a प्लस 2b से आपका बन रहा है 2c प्लस 3d, आपका ये बन रहा है। फिर से सुनिएगा, t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर ये a होगा, ये b होगा, तो ये जीरो जीरो होंगे। अगर हम देखें t इज इक्वल्स टू t टाइम पर तो ये a में से कितना घटेगा, x, a में से कितना घटेगा, x, अगर यहाँ की बात करें तो b में से कितना घटेगा, 2x, यहाँ कितना बनेगा, 2x, और यहाँ कितना बनेगा, 3x। बात समझ में आ रही है, ये शुरुआती हिस्सा है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा अगर टाइम और कंसंट्रेशन दे रखा हो। टाइम और कंसंट्रेशन दे रखा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जो आपने अभी लिखा है ना, इसी की हेल्प से हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, इसी की हेल्प से। चलिए समझिए, यहाँ पर मान लीजिए हम ले रहे हैं ए, ध्यान से समझिएगा, रेट निकाले जाने, ए से आपका प्रोडक्ट बन गया बी, टी इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर ये ए था, ये जीरो था, टी इक्वल्स टू टी टाइम पर ये ए माइनस एक्स था और ये कितना था, एक्स, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं रेट कि रेट कितना होगा अगर t इक्वल्स टू टी टाइम पर ये a माइनस एक्स और ये x हो जा रहा है, तो किस रेट से ये रिएक्शन हो रही है, ये अपने को देखना है। सुनिए, हम यहाँ पर लिखते हैं r इज इक्वल्स टू, ध्यान से पहले समझिएगा, यहाँ पर अच्छा रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए हम प्लस लिखते हैं, रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो माइनस लिखेंगे। अच्छा, ए के कंसंट्रेशन में चेंज यानी कि डी ए बटे में डी टी, जैसे लिख रहे हैं वैसे समझते चलिए, ठीक है। अगर यहीं पर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में आप लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर लिखेंगे डी, इसका कॉन्सनट्रेशन डी बी अपॉन आप लिखेंगे डी टी, ठीक है। अब आगे की बात समझ लीजिए, ये आप देख रहे हैं माइनस, चेंज इन कॉन्सनट्रेशन ऑफ ए, ए की सांद्रता में जो बदलाव हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, इसमें से ये घटाइए, फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला, तो फाइनल वाला आपका कितना है, ए माइनस एक्स, तो ए में से क्या घटा देंगे, एक्स घटाएंगे, तो सॉरी ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स में से ए घटा देंगे, तो आप ए घटा दीजिए, बटे में डेल्टा टी का मतलब टी टू माइनस टी वन, यानी टी में से जीरो आप घटा देंगे तो टी माइनस जीरो। अब आगे सुनिए, इसको लिखेंगे माइनस, अब ये जाएगा ए माइनस एक्स माइनस ए, ये जाएगा, अच्छा टी में से जीरो घटाएंगे तो कितना बचेगा टी, क्या ए से ए कैंसिल हो गया, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, बराबर माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस एक्स बाई टी, तो ये आ गया एक्स बाई टी। बात समझ में आ रही है, तो इतनी बात तो ध्यान रखिएगा कि
रेट कितना आया है, रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कितना आया है, ये आया है x बाई टी। जरा इसको सामने लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा x बाई टी, यानी कि आपने देखा r की वैल्यू आई है, ये प्लस में कि माइनस में है, प्लस में है। आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस x बाई टी, तो ये क्या है, रेट विद रिस्पेक्ट टू a, a के सापेक्ष दर है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं b के बारे में, b के बारे में बात करेंगे तो प्लस है बिल्कुल। अच्छा, चेंज की बात करें, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो x माइनस जीरो बटे में डेल्टा t का मतलब बाद वाला समय माइनस पहले वाला समय, t माइनस जीरो, ये x बाई टी आ गया, और ये भी आपका किस में है, प्लस में है। एक बात आपको समझ में आई है, यहाँ पर आप देखिए दोनों प्लस में आ रहे हैं, दोनों किस में है, प्लस में। तो हम चाहे रिएक्टेंट के रेट की बात करें, चाहे प्रोडक्ट के रेट की बात करें, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा, दोनों का रेट क्या होगा, सेम। तो हम इसे कैसे और लिख सकते हैं वो ज़रा देखिए, हम इसे लिख सकते हैं जैसा कि R इज इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ध्यान से समझिएगा, बराबर ये किस में है, प्लस में। आप लिख सकते हैं डी बी बटे में डी टी, बराबर आप लिखेंगे x बाई टी, x बाई टी, ध्यान से समझिएगा, ये x ना, x के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये आपका है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये है आपका। चलिए, ये तो समझ में आ गया, इसके आगे नेक्स्ट हिस्से की बात करते हैं। नेक्स्ट हिस्सा भी आपको इतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं आगे की कहानी, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। अगर नहीं लगता ऐसा कि लेंदी होने के बाद दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हम छोटे छोटे हिस्सों में इसे रखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे, हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, और दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्द एकदम सब्सक्राइब करके मार दीजिए बेल आइकन पर हथौड़ा, ठीक। चलिए, धन्यवाद।